हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक ऐसा शीट कैसे बनाए जहां पे हम मल्टीपल एक्सपायरी का मर्ज्ड डेटा देख सके। तो अभी लाइव मार्केट चालू है और अगर मुझे 5th नवंबर की एक्सपायरी का डेटा देखना होगा तो ये डेटा यहां पे अवेलेबल है। मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ तो आपने देखा कि ये डेटा रिफ़्रेश हो गया है, तो ये चार्ट भी रिफ़्रेश हो गए हैं। ये तो हुआ सिर्फ 5th नवंबर का बाद, बट अगर मुझे कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने होंगे तो मैं कौन सा डेटा पे ज़्यादा रिलाई करूँ वो देख लेते हैं। तो मुझे एक मंथली एक्सपायरी और सेकेंड वीकली एक्सपायरी का भी डेटा चाहिए। मुझे फ़िलहाल ये मंथ में जितने भी एक्सपायरी है उन सब का एक मर्ज डेटा चाहिए ताकि मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अभी 5th नवंबर का डेटा है तो 12th नवंबर, 19th नवंबर और 26th नवंबर, ये सभी डेटा मैंने मर्ज कर दिया है। तो अब मैं देख सकता हूं कि यहां पे पुट राइटिंग 11,800 पे अच्छा खासा हुआ है आज के दिन पे। और अगर मैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का बात करूँ कॉल साइड पे तो 12,000 पे है पूरे एक्सपायरी का, और पुट साइड पे है 11,500 पे। तो मुझे एक फिगर मिल गया कि क्या हो रहा है, और ऑलमोस्ट 11,700 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ है, देन 11,500 पे और देन 11,800 पे। तो ये डेटा पूरा बुलिश है आज का डेटा, ये मर्ज डेटा है। अगर मैं सिर्फ आज की बात करूँ, दैट इज नियरेस्ट एक्सपायरी, दैट इज 5th नवंबर का, तो भी ये डेटा सेम है क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन एक साइड है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि नियर टर्म में मार्केट में भी बुलिश बट इन लॉन्गर टर्म दे आर स्टेगनेंट, तो वो डेटा थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए हमें मर्ज डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये शीट हम कैसे बनाएं वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो स्टार्ट तो हम इधर से ही करेंगे, जो हमने प्रीवियस 5 वीडियो बनाया है तो उसमें से जो सबसे फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे NSE से ऑप्शन चेन डेटा पुल करें। तो अब क्या करना है हमें, ये जो ऑप्शन चेन डेटा पुल हुआ है, जितना भी डेटा पुल हुआ है वो पूरे डेटा को हमें कॉपी कर लेना है, कॉपी नहीं सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंसर्ट में पिवट टेबल और न्यू वर्कशीट, ठीक है, तो एक नई वर्कशीट आ गई। तो अभी हमें फिल्टर्स कौन से चाहिए, तो मुझे एक्सपायरी डेट का फिल्टर चाहिए, और रो कौन से होंगे, तो स्ट्राइक प्राइस के ये रो बना दिए, और कॉलम्स कौन सी होंगी। तो सबसे पहले कॉल से स्टार्ट करते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट ये सम रखा है मैंने, देन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, देन चेंज इन कॉल, देन लास्ट प्राइस। ये तो हुआ कॉल का, अब मुझे चाहिए पुट का, तो लास्ट प्राइस, चेंज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। तो ये मैंने एक पिवट टेबल बना दिया। अब आप देखोगे तो इसमें मैं सिर्फ 5th नवंबर ओके करूंगा तो ये सिर्फ 5th नवंबर का डेटा आ जाएगा, और अगर मैं इसमें मल्टीपल सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, तो 5th नवंबर, 12th नवंबर, 19th नवंबर और 26th नवंबर, तो ये जो डेटा आएगा ये एक मर्ज डेटा आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे फील्ड लिस्ट तो इधर हमने सम रखा है, तो ये सम हो जाएगा, तो हमें मर्ज डेटा के लिए सम ही चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। तो अब आप जब ऑप्शन चेन में डेटा फेच करोगे, तो मैंने क्या किया है, ये रहा ऑप्शन चेन,
तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। तो डेटा फेच करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, मैं चाहिए तो फिर से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, मुझे स्ट्राइक प्राइस ढूंढनी है कौन से रेंज में से, ये रही रेंज, ये रही, तो इसे मैं F4 कर दूंगा ताकि ये फ्रीज हो जाए। और कौन से वैल्यूज में से, तो मुझे कॉल ऑप्शन का लास्ट प्राइस चाहिए, तो ये मैंने फील्ड सिलेक्ट कर लिया और F4 ब्रैकेट क्लोज, तो ये इसका प्राइस आ गया। वैसे ही नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट, सेम वही फॉर्मूलाज लगा के सिर्फ सेल रेफरेंस चेंज करके ये हम दे सकते हैं। और पूरा शीट में मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है डेटा, तो हमें ये डेटा मिल रहा है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये 5th November है, तो अगर मैं 5th November प्लस 26th November को ओके कर दूंगा तो यहाँ पे जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देख लिए मल्टीपल आइटम्स ये आ गया। तो इधर मैं अगर सिर्फ 5th November करूँगा तो ये ऑप्शन चेंज सिर्फ 5th November का आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पिवट टेबल बनाया और एक्स लुकअप से यहाँ पे डेटा पुल कर दिया। अगर आपके पास एक्स लुकअप ये फॉर्मूला नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वी लुकअप नहीं जमता तो इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन यूज़ करके भी ये डेटा फेच कर सकते हो। तो अब डेटा तो रेडी हो गया, तो अब हमें एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है ताकि हम विजुअली ये डेटा को देख सके। तो वो हम डैशबोर्ड कैसे बनाएं, तो ये डैशबोर्ड बनाना बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा, एक शीट ओपन कर लूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ डैशबोर्ड 2 नाम लिख दूँगा और मैं क्या करूँगा, स्ट्राइक प्राइस टोटल कॉल और टोटल पुट, ये तीन इधर से डेटा सॉरी इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट। तो मुझे कौन से टाइप का चार्ट चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो मैंने ओके किया, ये चार्ट आ गया। अब चार्ट में सिलेक्ट डेटा में हम क्या करेंगे, एडिट, कौन सा रेंज से सिलेक्ट करना है, ओके कर देंगे, ओके, तो ये चार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्राइक प्राइस आ गए और बेस्ड ऑन स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट के वैल्यू आ गए, ये टोटल OI है। तो हम क्या करेंगे, कट और डैशबोर्ड 2 में पेस्ट कर देंगे। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम उसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम दे देंगे टोटल OI। फिर चार्ट टाइप है, चार्ट का डिज़ाइन आपको जो अच्छा लगे वैसा आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल ये डिज़ाइन फाइनल किया है। सेम ऑप्शन चेन में जाके ये तो हुआ टोटल OI, पर हमें चेंज इन OI भी चाहिए। तो चेंज इन OI का भी डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट, ओके। अब चार्ट सेटिंग में जाएंगे, उसमें सिलेक्ट डेटा, तो स्ट्राइक प्राइस इधर से निकाल देंगे और एडिट करके रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ ये रेंज के डेटा पॉइंट चाहिए,
तो ओके करोगे तो बेस्ड ऑन दिस ये डेटा जनरेट हो जाएगा। इसे कट कर देंगे और डैशबोर्ड टू में पेस्ट कर देंगे। चार्ट टाइप, चार्ट डिज़ाइन आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, चार्ट टाइटल चेंज इन हुआ है। बस तो चार्ट रेडी हो गया। अब आप बोलोगे कि इसमें एक साइड में ये जो डैशबोर्ड में ये साइड में ये जो आ रहा है वो हम कैसे लाएं। तो आप फिर से ये कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे ये पिवट टेबल को सिलेक्ट कीजिए, फिर पिवट टेबल एनालाइजर ये कॉलम में इंसर्ट स्लाइसर। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक्सपायरी डेट का स्लाइसर चाहिए। तो एक्सपायरी डेट ओके किया, इसे कट करेंगे और हमारे डैशबोर्ड में इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये 5th नवंबर का डेटा है। अगर मुझे सेम 26th नवंबर का डेटा चाहिए तो ये डेटा अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। अब अगर मुझे मल्टीपल डेटा चाहिए तो सिलेक्ट मल्टीपल और 5th नवंबर, 12th नवंबर, 19th नवंबर। तो ये जो डेटा आया ये मर्ज डेटा है। तो यहाँ से हमें एक मर्ज डेटा का चार्ट्स मिल गया। तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, 11,700 का सबसे ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 11,600 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो आप यहाँ से सब पता लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको ये डैशबोर्ड बनाने में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।